इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विरार से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अभी दिन दहाड़े हुई गोलीबारी और समय चौहान की हत्या से पूरा विरार दहला ही हुआ था कि आज एक बार फिर विरार के बर्फपाड़ा में शाम 6:30 बजे के आसपास फायरिंग हुई है। यह फायरिंग 49 वर्षीय आसाराम सदाशिव राठौड़ पर की गई है, जिसके बाद उन्हें संजीवनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राठौड़ और चौहान परिवार में आपसी विवाद और पुरानी दुश्मनी को लेकर यह फायरिंग की गई है, परंतु इस बारे में कोई भी पूर्ण रूप से जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। प्राथमिक जानकारी यह भी है कि आसाराम राठौड़ पर 1 वर्ष पहले भी गोली चलाई गई थी और वह गोली उनके कंधे को छूकर निकल गई थी और आज एक बार फिर विरार के बर्फपाड़ा में खुलेआम गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।